हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कश्मीर के अवंतीपुरा में इनकाउंटर चल रहा है जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन की कमांडर रियाज नायकू को घेर लिया गया है। ये जानकारी मिली थी कि रियाज नायकू दरअसल एक बंकर में छिपा हुआ है। अच्छा, रात में सुरक्षा बलों ने बंकर के पास जेसीबी मशीनें लगा दी थी। खुदाई शुरू हुई तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की। इनकाउंटर अब भी जारी है। जम्मू कश्मीर का अवंतीपुरा में इनकाउंटर जारी है। रियाज नायकू के बंकर में छिपे होने की खबर। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी रियाज नायकू। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, क्या अपडेट मिल रहा है इस इनकाउंटर को लेकर? रोमाना, देखिए, अवंतीपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटों में यहाँ होने वाली ये तीसरा ऑपरेशन है। कल शाम को ही पुलवामा के ख्रू में सरशाली गांव में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें सुरक्षा बलों ने एक मिलिटेंट को मार गिराया, जबकि त्राल के सतोरा गांव में एक ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने एक जैश मोहम्मद के मिलिटेंट को जिंदा पकड़कर उससे हथियार और गोला बारूद बरामद कर दिया। लेकिन त्राल के ही बेगपुरा में कल शाम से जारी इस ऑपरेशन में सुरक्षा बल रात भर काम करते रहे और इसके लिए जेसीबी मशीनों का भी सहारा लेते रहे। रात भर चले तलाशी अभियान के बाद सुबह तड़के तकरीबन 9 बजे सुरक्षा बलों का कांटेक्ट छुपे हुए मिलिटेंट्स के साथ हुआ और दोनों ओर से इस समय भी गोलीबारी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो बयान इस मुठभेड़ के बारे में जारी किया गया उसमें ये कहा गया है कि मुठभेड़ सुबह शुरू हो गई है और इसमें एक टॉप कमांडर फंसा हुआ है जिसके खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो खबरें कल शाम से ही आ रही थी कि बेगपुरा, जो कि रियाज नायकू का पैतृक गांव है, वो इसी गांव का रहने वाला है, उसका परिवार इसी गांव में है, तो उसके फंसे होने की खबर है। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाम तो जाहिर नहीं किया लेकिन इस बात की पुष्टि कर दी है कि एक टॉप कमांडर जो है वो इस मुठभेड़ में फंसा हुआ है और अभी भी दोनों ओर से यहाँ पे गोलीबारी चल रही है। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि चूंकि ऑपरेशन अभी चल रहा है इसके बारे में ज्यादा नहीं साझा की जा सकती, लेकिन मुठभेड़ कितनी महत्वपूर्ण है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी कश्मीर घाटी में इंटरनेट सेवाएं, जो मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। यानी जो 2G मोबाइल इंटरनेट चल रहा था यहाँ पे पिछले कुछ समय से, अब वो भी बंद कर दिया गया है क्योंकि सुरक्षा बलों को आशंका है कि इंटरनेट की मदद से शायद जो अंदर फंसे हुए मिलिटेंट हैं वो अपने समर्थकों से संपर्क करें और लॉ एंड ऑर्डर की और ज्यादा दिक्कत हो, तो इसीलिए इसको रोकने के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। जबकि यहाँ पे ऑपरेशन अभी भी जारी है। कमांडर बताया जा रहा है हिजबुल मुजाहिदीन का, रियाज नायकू, इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए, आखिरकार इसकी कुंडली है क्या? देखिए रोमाना, रियाज नायकू साल 2014 में जो है दोबारा मिलिटेंसी में आया था। पहले वो 2012 में मिलिटेंसी में आया था लेकिन पकड़े जाने के बाद कुछ समय जेल में रहा, फिर रिहा होके वापस 2014 में रिसाइकल होके हिजबुल मुजाहिदीन में चला गया था। बुरहान वानी का जो कोर ग्रुप था जिसमें वो 11 मिलिटेंट थे, तो उनमें से एक प्रमुख मिलिटेंट रियाज नायकू भी था और रियाज नायकू जो है 2016 में बुरहान वानी की मृत्यु हो गई, उसके बाद एनकाउंटर में सबजार भट्ट को मार दिया गया और उसके बाद से 2017 से रियाज नायकू जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर का कमांडर था। रियाज नायकू जो है वो मैथमेटिक्स में MSc किया हुआ है, पढ़ा लिखा था, एक टीचर के तौर पे काम कर रहा था 2012 में जब वो पहली बार मिलिटेंसी में चला गया और काफी ज्यादा इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जो हिजबुल मुजाहिदीन की पकड़ थी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कम हो गई थी, तो उसको दोबारा दक्षिण कश्मीर में जिंदा करने, संगठित करने और हिजबुल मुजाहिदीन की पैठ बिठाने में काफी ज्यादा रोल इसका रहा था क्योंकि इसका जो प्रमुख साथी था जाकिर मूसा वो हिजबुल मुजाहिदीन छोड़कर अंसार गजवतुल हिंद यानी अलकायदा में चला गया था, तो उस समय काफी ज्यादा ये शंकाएं थी कि हिजबुल मुजाहिदीन के सारे जो जितने भी सक्रिय मिलिटेंट्स हैं वो जाकिर मूसा की तरफ चले जाएंगे, तो उनको रोकने, हिजबुल मुजाहिदीन को संगठित करने और दक्षिण कश्मीर में जितने भी बड़ी घटनाएं हुई उनके पीछे रियाज नायकू ही माना जाता है। यहां तक कि 2017-18 में जिस तरीके से पुलिस कर्मियों के परिवारों को किडनैप करके उन मिलिटेंट्स के परिवारों को पुलिस के हिरासत से छुड़ाना भी इसी की एक
स्ट्रेटजी थी और काफी ज्यादा जो रियाज नायकू के बारे में बताया जा रहा है कि ना सिर्फ वो टेक्स सेवी था बल्कि मिलिटेंसी के मामले में काफी ज्यादा वो जो मिलिट्री माइंड वाला इंसान था वो काम कर रहा था। हालांकि जो आप नजर बनाए रखिए, आप नजर बनाए रखिए, मैं आगे आपसे अपडेट लूंगी। फिलहाल यही समझ पा रहे हैं हम जिस तरीके की जानकारी आसिफ कुरैशी ने दी कि रियाज नायकू के बाद एक तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन की घाटी में कमर टूट जाएगी।